एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन सो टुडे वी विल सी टूडे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है हम थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज भी निकालेंगे और आपकी तरफ भी एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यहाँ पे तीन पाइल्स हैं इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो द फर्स्ट वन इज दिस येलो स्ट्रॉ सेकेंड वन इज रेड रोज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्पल रोज थैंक यू सो मच आई वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये येलो स्ट्रॉ चूज किया था इस इंसान को ड्रिंक्स पीने का शौक़ हो सकता है मॉकटेल कॉकटेल दैट्स पॉसिबल या फिर येलो या वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है दैट्स वॉट आई कैन सी ओवर हियर ठीक है पहले हम दो कार्ड्स औरकल से निकालेंगे उसके बाद हम टैरो से चलेंगे ठीक है सी सेलिब्रेशन का कार्ड है तो ये इंसान को ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता होगा मुझे लग रहा है जो भी है देखते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स थर्ड पार्टी की तरफ क्या है इस इंसान की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है ठीक है, so, सो देखिए थर्ड पार्टी की तरफ इनकी फीलिंग्स ये है कि थर्ड पार्टी इनके कानों में बहुत ज़्यादा बोलती रहती है हमेशा तो ये उसको हटाने के लिए म्यूज़िक सुनते हैं गिटार बजाते होंगे गिटारिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन जो भी है म्यूज़िक लिखते होंगे म्यूज़िक राइट करते होंगे म्यूज़िक का काम हो सकता है इनका यूट्यूब में काफ़ी फेमस हो सकते है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी फेमस हो सकते हैं अपने गानों की वजह से ट्वेंटी फ़ोर इनकी एज हो सकती है आपकी हो सकती है फाइव नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है आपका बर्थडे इस इंसान का इस इंसान के बर्थडे का टोटल जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ये जो लेडी हैं इनके कानों में बोलती रहती हैं और ये चुपचाप बैठे रहते हैं और यू नो गाने सुनते रहते हैं कि उनकी बातें ना सुने दर्ट वॉट अगेन सी ओ वही ठीक है ये अपने पेन को हटाने के लिए गाना बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपके लिए जो फीलिंग्स है वो यहाँ नज़र आ रही है कि इनके पेट पे तितलियाँ उड़ती हैं ये जो इंसान है इनको बहुत ही खुशी होती है जब आपके बारे में सोचते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दर्ट्स वट अगेंस्ट सी ओ वही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये इंसान अभी गुजर रहे हैं दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर चलते हैं हम आपके टैरो के साइड और देखते हैं कि टैरो आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है इस इंसान की फीलिंग्स थर्ड पार्टी की तरफ क्या है उसके बाद हम आगे चलेंगे आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं नाइन ऑफ वॉन्ट्स king of swords six of swords knight of pentacle two of pentacle eight of wands three guys ये रहे आपके कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन यू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग कीप ऑन डूइंग द मैनिफेस्टेशन वर्क मून रिचुअल्स करिए कैंडल मैनीफेस्टेशन करिए जो भी आपको सही लगता है सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है वो देख के करिए डू इट फॉर योर सेल्फ ठीक है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा या आप कर रहे होंगे स्पेल्स और मैजिक्स कर रहे होंगे तो करते रहिए जो भी आपको फीजिबल लगता है ये इंसान आप मैनिफेस्टेशन से इस इंसान को पा सकते हो अब उनकी तरफ उस लेडी की तरफ क्या फीलिंग्स है या लड़के की तरफ क्या फीलिंग्स है इस बंदे की लियो सैज हो सकता है ये आपका पार्टनर लिब्रा जमुना एक्वेरिस के साथ वो डील कर रहा हो आप टोरा हो केब्रिगोन हो सकते हो या आपके सनमून राइजिंग में एरिस लियो सैज कहीं ना कहीं आता होगा जो मुझे नज़र आ रहा है देख लीजिएगा एनर्जी स्विच कर लीजिएगा नाइन ऑफ बॉन्ड्स के साथ ये बंदे को धोखा दे दिया है थर्ड पार्टी ने हंड्रेड परसेंट ये वॉन्टेड वॉरियर हो चुका है परेशान हो गया है, ये इनकी बातें सुनना नहीं चाहता गाने सुनता रहता है बहुत ज़्यादा आपको याद करता है नाइन ऑफ बॉन्ड्स के साथ यहाँ पे इसने गार्ड जब कर रखे हैं इस लेडी ने इसके ऊपर कोर्ट केस किया होगा अगर ये मैरिड है ये बंदा अगर मैरिड नहीं है तो ये बंदी इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है ये बोलती है कि ऐसे करो मेरे हिसाब से रहो नौकर बन के रहो इनके घर में ऑल दीज थिंग्स ये बंदी बोलती होगी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हुई ऑर्डरिंग टेक एनी बडी इज ऑर्डर्स ये लेडी किसी के ऑर्डर्स या ये बंदा किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता ये ऑर्डर्स देते हैं जो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसका दिल दुखाते रहते हैं बार 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 कंटिन्यूसली पैसों के लिए भी ये लेडी इनके पीछे पड़ी होगी अगर कोर्ट केस चल रहा है तो ये एक बिग अमाउंट नाइन लाख मांग रही होगी नाइन करोड़ मांग रही होगी दैट इज पॉसिबल विद सिक्स ऑफ शॉर्ट ये बंदा इसको छोड़ देगा ये अभी इसके साथ नहीं रहना चाहता ये मूव अवे हो रहा है ये आपकी तरफ आ रहा है ये बोट लेके आ रहा है इसके जो स्वॉर्ड्स हैं इसने यहाँ पे दबा दिए हैं इस बोट में इन यादों को दबा दिए हैं और ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वाटर्स से अब काम वाटर्स की तरफ आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है इस रिलेशनशिप में जो मुझे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ ये इंसान आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे आ रहा है बहुत ही धीरे धीरे ये वॉन्ट वॉरियर है इसको बहुत ज़्यादा वूंड्स दे दिए हैं इसके हार्ट पे ठीक है इसके फैमिली को भी बहुत वूंड्स दिए हैं इस लेडी या लड़के ने जो भी है ये आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं बहुत ही स्लोली स्लोली आ रहे हैं बट आ रहे हैं जैसे टोटोइ चलता है धीरे धीरे वैसे वैसे आ रहे हैं टू ऑफ पेंटिगल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है तो आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो ये इंसान आपको फिनानस में भी हेल्प कर सकता है इसकी फीलिंग्स ये कहती हैं कि ये आपके साथ और इस लेडी के साथ ये इस लड़के के साथ जगल कर रहा होगा बट आपको बहुत ही सेक्सी और ब्यूटीफुल देखता है सुंदर देखता है आपकी तरफ आना चाहता है आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ ठीक है गाइस ये आपकी तरफ आ रहा है बट थोड़ा धीरे टाइम लग रहा है यहाँ पर देखेंगे आगे वो कब तक आएंगे आपकी तरफ एट ऑफ वॉन्ट्स के साथ ये आपको हंड्रेड परसेंट मैसेज करेंगे अगर आप नो no कम्युनिकेशन में हो अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही तो डेफिनेटली नो no कम्युनिकेशन हटेगा ये बंदा आपकी तरफ बाइक लेके आ रहा है या फिर गाड़ी अपनी लेके आ रहा है जो भी है ये आपकी तरफ दूर है तो ट्रैवल करके आएगा आपसे ज़रूर बात करेगा या एक मैसेज तो आपको जरूर ड्रॉप करेगा ये बंदा जो मुझे नज़र आ रहा है ठीक है मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करते रहना है ये नहीं सोचना है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं करूँगी मैनिफेस्ट आपको करते रहना है आपके पास सारे टूल्स हैं आप उस पर करते रहिए चीज़ों को ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे आप देख लेते हैं इंसान आपकी तरफ You know, क्या एक्शन लेने वाले हैं वैसे तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ ही गया है बट फिर भी हम देख लेते हैं एक्शन क्या होने वाला है फाइव ऑफ सोर्ट्स शारीट गाइस देखिए ये एक्शन हंड्रेड परसेंट लेगा ठीक है वहाँ पे अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है इनका मार पिटाई चांटे हिला घूसे वर्बल अब्यूज मुँह से बोलना गालियाँ देना एक दूसरे को बहुत ही गंदा रिलेशनशिप है वो ठीक है वहाँ से ये इंसान लड़ लुड़ा के सब कुछ करके आ जाएगा आपकी तरफ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए सोलमेट है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है कलर का डिफरेंस हो सकता है यू you नो know, आपके रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है दैट्स वॉट आई कैन सी ओवर हियर बट ये इंसान यही एक्शन लेने चाह रहा है फिर दोबारा बाइक आ गई इसके पास एक बहुत खूबसूरत सी बाइक हो सकती है एंड ये आपकी तरफ बाइक लेके आ रहा है एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ करेगा या फिर ये इंसान आपके सोशल मीडिया पे पूरा पूरा चेकआउट रखता है चेक करता रहता है आप अभी क्या कर रहे हो अगर आप नो no कम्युनिकेशन में हो ठीक है नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है ये आपकी तरफ पैशनेटली आना चाहता है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है प्रॉबेबल मंथ्स क्या हो सकते हैं जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे देख लेते हैं प्रोबेबल मंथ्स हो सकता है वन मंथ किंग ऑफ वनस के साथ किंग ऑफ कप्स के साथ वन मंथ और या फिर टेन मंथ्स ठीक है ये सारे मंथ्स हो सकते हैं जिसमें ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो इसके सनमून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा बट लिब्रा लिवरा जमिना एक्वेरियस टॉरस विर्गो केप्रिकॉन कैंसर ये सारे सनसाइंस बहुत हैवी हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो लियो एक्वेरिस टॉरस स्कॉर्पियो ये भी सनसाइंस यहाँ पे हैवी हैं जो मुझे नजर आ रहा है ओके okay? सो दिस वॉ योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट 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 इफ यू लाइक इट प्लीज़ ऐसा बता हम सब फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल थैंक यू सो मच लेस एस अपू फाइल नंबर टू हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी रोज चूज़ किया इंसान आपको एक रोज़ देना चाहते हैं उसका रेड कलर बहुत पसंद होगा इसको रोज़ सूंघना बहुत पसंद होगा ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको रोज देना चाहते हैं आपसे है। आप बात करना चाहते हैं एनी विचवेज ये आएंगे तो आपके लिए एक रोज लेके आएंगे आप देख लेते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी साइड क्या फीलिंग्स है और आपकी साइड क्या फीलिंग्स है क्या एक्शन होगा द फर्स्ट कार्ड इज़ जगलर उनकी तरफ जगलर का कार्ड आया है आपकी तरफ है लव्ड वंस इन स्पिरिट का देखिए फाइव डी में ये बंदा आपको बहुत याद करता है आपके ड्रीम्स लेता है आप लेते होंगे इसको ड्रीम्स में आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे एनी विचविस पहले हम थर्ड पार्टी के साथ चलेंगे उन्नीस उनकी एज हो सकती है बर्थडे हो सकता है बीस आपकी एज हो सकती है या इस बंदे की एज हो सकती है आप दोनों में एक साल का डिफरेंस हो सकता है एज डजेंट मैटर ट्वेंटी इसका बर्थडे नाइनटीन इसका बर्थडे वन या नाइन इसका बर्थडे हो सकता है टू हो सकता है इसके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा थर्ड पार्टी के साथ ये जगल करता रहता है पैसों के लिए वो लेडी जो भी है लड़का जो भी है इससे पैसे मांगता है बहुत ज़्यादा डॉलर में कमाता होगा एन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डॉलर का साइन है दूसरी बात ये अपने हाउस के साथ जगल करता रहता है इसके घर के पीछे बहुत सारे लोग होंगे दर्ज जस्ट चैनल मैसेज ठीक है एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे इसको रीड करने नहीं देती पढ़ने नहीं देती इस जो भी करना चाहता है अगर ये जिम जाना चाहता है वहाँ जाने से रोकती हैं इसको अगर कुछ प्रोटीन शेक्स लेना है तो वो रोकती हैं इसको कुछ भी करना है वो रोकती हैं बच्चे का हिसाब किताब हो सकता है इनके पास एक डॉटर या सन हो सकती है सिंगल एक किड हो सकता है वहाँ पर जगल करता रहता है दैट्स वॉट आई कैन सी होवियर डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा कुछ सही नहीं होता क्योंकि ये जगलर का कार्ड है जगल करता रहता है इस लेडी या लड़के के साथ पाँच बजे इनकी रोज़ लड़ाई होती है शाम को दैट्स व्हाट आई कैन सी ओ ओके फॉर यू आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल हैं आप दोनों कनेक्टेड हैं फाइव डी में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है फैदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा आजकल दिखते होंगे ट्वेंटी आपका बर्थडे हो सकता है दैट्स व्हाट आई कैन सी ओ लव्ड वंस इन स्पिरिट आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आपका एक किड भी हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी से निकल चुका होगा या निकलने वाला होगा आपका एक सन हो सकता है जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल हो तो हो सकता है आप लाइट वर्कर ये लड़की लाइट वर्कर हो सकती है ओके एनी वेस हम लोग चलते हैं टैरो की तरफ देखते हैं कि टैरो क्या कहने की कोशिश कर रहा है अभी थर्ड पार्टी की तरफ क्या फीलिंग्स हैं और आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं और क्या एक्शन होने वाला है ओके नाइन ऑफ वॉन्ट्स Two of Wands Empress Fool Knight of Swords. ओके गाइस देखिए यहाँ पे क्लैरिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे चीजें तो जगल कर रहे हैं बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरा पूरा बना हुआ है क्यों नाइन ऑफ एंड टू ऑफ एंड एम्प्रेस आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना अभी होल्ड पे हैं चीज़ें इन लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वो होल्ड पे है अगर इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो होल्ड पे है इनका रिलेशनशिप होल्ड पे है सेपरेशन में होंगे अलग अलग रहते होंगे एक ही घर में रहते होंगे लेकिन अलग अलग रूम्स में रहते होंगे बच्चों बच्ची के साथ इनकी एक बेटी हो सकती है मुझे ऐसा लग रहा है या बेटा हो सकता है बट मोस्ट प्रॉब्ली लड़की ही होगी इसकी ठीक है जो भी हैं ये बंदा ना काफ़ी दूर रहता होगा एन हो सकता है फॉरेन में जाता होगा आता होगा ऐसा रहता होगा इसका ठीक है ये फ़ोन पे आपको देखता रहता है या आपके लाइव स्ट्रीम्स देखता होगा या आपके मैसेजेस पढ़ता होगा या आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ वो देखता रहता है या आपके एक्शंस देखता रहता है जो भी है बट इस लेडी के साथ ना ये लेडी इस बंदे के पास दो तो अपॉर्चुनिटी है ही ये वेट कर रहा है सही राइट टाइम का ठीक है ये जो लेडी है काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकती है या फिर ये बच्चे की वजह से इस बच्ची की वजह से ये बच्ची है यहाँ पे बीच में उसकी वजह से ये लोग सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक है अगर कुछ चल भी रहा है सेपरेशन का तो ये अभी चीजें होल्ड पे गाइस पहल नंबर टू सारी चीजें होल्ड पे हैं अगर सेपरेशन है कस्टडी इश्यूज हैं तो यहाँ पे चीज़ें होल्ड हैं आपके लिए जो फीलिंग्स है ये इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग लेना चाहता है विद द फूल कार्ड क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फूल आ गया तो ये आपकी तरफ नया बिगनिंग तो डेफिनेटली लेगा रिस्क लेगा आपकी तरफ आएगा ओके आपके साथ इसको एक सन चाहिए हंड्रेड परसेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इसको आपके साथ फैमिली चाहिए तो ये हो सकता है कि आपसे शादी कर ले इसकी दो शादियाँ लिखी हो सकती हैं दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज अगर यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं भी हो पाई तो ये आपसे हंड्रेड परसेंट शादी करेगा क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ गया इस डॉट अगर इसको डिवोर्स मिल गया तो ये डॉटर इनकी एक डॉटर हो सकती है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर इसकी कोई डॉटर नहीं है तो आपकी आगे जाके सन हो सकता है फिर एक डॉटर हो सकती है दैट्स व्हाट आई सी ओवर एगेंसी ये बंदा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है आपको देख के आपके अंदर ना एक सन वाली ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है आप लोगों की मदद करते होंगे बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें इसको पता है वाइट इसका फेवरेट कलर हो सकता है दस दस चैनल मैसेज ये रोशन करके आएगा दौड़ा दौड़ा आएगा आपकी तरफ और आपके साथ बात करेगा हंड्रेड परसेंट ठीक है इसको आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है इसको आप हैप्पीनेस देते हो किसी टाइप का मुझे नहीं पता क्या करते हो आप बहुत जॉय आता है इसको आपको देख के पॉजिटिविटी आती है इसकी लाइफ में मैरिज देना चाहता है कमिटमेंट देना चाहता है आपको बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सब कुछ होल्ड पे है बट ये आपको मैसेज या फोन ज़रूर करेगा हंड्रेड परसेंट जो मुझे नज़र आ रहा है ठीक है अब देख लेते हैं कि ये क्या एक्शन लेगा ठीक है वैसे तो एक्शन का कार्ड आ ही गया है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ सॉट्स ये डेफिनेटली एक्शन तो लेगा जल्दी की जल्दी बट देखते हैं क्या एक्शन लेगा सिक्स ऑफ कप्स थ्री ऑफ शॉट्स क्वीन ऑफ बॉन्ड्स देखिए इस इसको किसी ना किसी का तो दिल तोड़ना ही पड़ेगा हंड्रेड परसेंट उस लेडी का दिल तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा तभी ही एक्शन हो सकता है क्योंकि इसको समझ आ गई कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो आप देख सकते हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है आप बहुत ही शॉर्ट हो सकते हो थ्री फोर फोर फा फोर फाइव फाइव टू फाइव थ्री ऐसे हो सकते इसकी 6, 6 हो इसकी हाइट बहुत सिक्स सिक्स से ऊपर हो सकती है जो भी है आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो इस बंदे को एक्शन लेना पड़ेगा और ये क्या एक्शन लेगा या ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इसको एंड कर देगा ठीक है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स आपकी तरफ आ सकता है इसमें सन जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एरीस लियो सैज इस बंदे का सनसाइन हो सकता है स्कॉर्पियो हो सकता है दस जैसे चैनल में सिर्फ पाइसिस हो सकता है टॉरस वर्गो केप्रिकॉन हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहा है आपका सनसाइन लिब्रा जमुना एक्वेरियस लियो हो सकता है एक्वेरियस uh, हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है या एरीस हो सकता है जो भी है ये बंदा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर देगा जो भी है यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वर्ल्ड जो है इसकी जिसके साथ भी ये डील कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लत्ता कपड़ा सब कुछ मांगती रहती है परेशान करती रहती है इसको बहुत ज़्यादा बर्डन देती है जो ये फुलफिल नहीं कर सकता इस लेडी को ये कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता है जो लेकिन आपको सिर्फ फूल अगर ये फूल देगा ना तो आप खुश हो जाओगे समथिंग लाइक दैट तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपकी दोस्ती बहुत गहरी है बहुत टाइम से आप जानते हो छः साल से सात साल से आठ साल से दस साल से दैट्स पॉसिबल या एक साल से नौ साल से भी आप जानते होंगे इस इंसान को जो भी है ये बंदा ये एक्शन हंड्रेड परसेंट लेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड कर देगा ये जो मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए देख लेते हैं कौन से प्रोबेबल मंथ्स हो सकते हैं जब थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगा किंग ऑफ कप्स वन मंथ हो सकता है टू ऑफ शॉर्ट्स टू मंथ्स हो सकता है वन मंथ ठीक है मोस्ट प्रॉबली वन मंथ टू मंथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर एंड नहीं हुआ तो भी ये बंदा कॉन्टैक्ट हंड्रेड परसेंट करेगा आपको दो महीने में या एक महीने में ठीक है सो कन्फर्म हो गया है वन मंथ के अंदर अंदर आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है ओके सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज़ एज अम्स अपन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल व्हाट्सअप एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच लेस अव पाइल नंबर थ्री वेलकम बैक पाइल नंबर थ्री जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का रोज चूज़ किया है ये इंसान हीलिंग के थ्रू गुजर रहा है पर्पल इसका फेवरेट कलर हो सकता है आपका हो सकता है इस कार्ड्स के कलर्स भी पर्पल हैं तो हो सकता है कि ये हीलिंग के थ्रू गुजर रहा हो अभी राइट ना हो देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिटन में थर्ड पार्टी की तरफ क्या इनकी फीलिंग्स हैं और आपकी तरफ क्या इनकी फीलिंग्स एंड हैंड्स गई देखिए बैग ऑफ मार्बल आ गया तो हो सकता है कुछ पार्टनरशिप में ये इस बंदी के साथ कुछ करता होगा नंबर फोर आप दोनों फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो पॉसिबल पंद्रह आपका बर्थडे चार इसका बर्थडे टू प्लस टू फोर ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपका बर्थडे हो सकता है या कुछ बर्थडे का टोटल हो सकता है फाइव प्लस वन सिक्स आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन हो हंड्रेड परसेंट ठीक है बैग ऑफ मार्बल्स इस जिसके साथ भी ये डील कर रहा है उसको मनी बहुत ज़्यादा चाहिए उसको घर चाहिए हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा अबांडेंस में चाहिए हो सकता है तो या हो सकता है कि इसका करियर हो थर्ड पार्टी दैट्स वॉज पॉसिबल ठीक है बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में पैसों का कुछ हिसाब किताब लेना देना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कुछ कोई किसी से पैसा बहुत ज़्यादा लेना चाहता है समथिंग लाइक दैट ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है हैंड्स के साथ आप पेंटर हो सकते हो आप एक कारपेंटर हो सकते हो ड्राइंग आर्टिस्ट कैनवस आर्टिस्ट हो सकते हो यूट्यूबियन हो सकते हो कारपेंटर हो सकते हो या कुछ अपने हाथों से आप कुछ करते हो केक बनाते हो क्या करते हो जो भी करते हो ठीक है फूड uh, आर्टिस्ट हो सकते हो या फिर यू नो टैरो रीडर्स हो सकते हो आप कोई कुछ भी जो अपने हाथों से आप करते हो वो चीज़ में आप माहिर हो तो ये इंसान आपको किसी टाइप का हेल्प करना चाहता है मुझे नहीं पता आपको मॉनेटरी वाइज कुछ इश्यूज हो सकता है तो हो सकता है ये इंसान आपको मदद करना चाहता है अभी राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं आगे टैरो क्या कहता है ये थर्ड पार्टी की तरफ क्या फीलिंग्स रखते हैं और आपकी तरफ क्या फीलिंग्स रखते हैं बट ये आपकी मदद करना चाहते हैं फाइव ऑफ वॉन्स सेवन ऑफ सो गाइज देखिए थर्ड पार्टी सिटेशन में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है अभी ठीक है किंग ऑफ कप्स ठीक है एरिस लियोसाज लिब्रा जमुना एक्वेरिस स्पाइसीस कैंसर स्कॉर्पियो आपका सनसाइन थर्ड पार्टी का सॉरी मैंने आपका बोल दिया तो हो सकता है कि आई एम सो सॉरी ओके एरिस लियोसाइज लिब्रा जमुना एकवेरिस स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो तो ये सारे सनसाइन हो सकते हैं कि और आपके पर्सन के हो सकते हैं जो इधर उधर डील कर रहे हैं ठीक है एक दूसरे के साथ अब हम चलते हैं आपके फीलिंग्स के लिए आपके लिए क्या फील करते हैं इंसान सेवन ऑफ कप्स सेवन ऑफ वन सेवन 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 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा सेवन 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 आई किडिंग में इस सेवन 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 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा या सिक्स 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 फाइव 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 ये सारे नंबर्स फोर 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 एलेवन एलेवन आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा सिक्स 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 भी दिखता होगा <laughs> आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होगा इस दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम एक बंदा मैरिड हो सकता है एक बंदा अनमैरिड हो सकता है या डिवोर्सड हो सकता है एक का डिवोर्स हुआ नहीं है मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर एनी विच वे फाइव ऑफ वॉन्ट्स के साथ थर्ड पार्टी के साथ पैसों की कोई दिक्कत है मैंने आपको बताया था मार्बल्स के साथ कुछ एक ह्यूज अमाउंट थर्ड पार्टी इनसे मांग रहा है ठीक है अगर ये मैरिड है मैरिड नहीं है तो भी अगर कोई आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया है तो वहाँ पे बहुत झगड़े हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे पूरा बहुत सारे फैमिली इन्वॉल्व हैं बहुत सारी औरतें इन्वॉल्व हैं स्पेशली जो इस रिलेशनशिप को इस लेडी का साथ दे रहे हैं ठीक है थीके? बिकॉज ऑफ़ द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ़ द मनी मुझे नहीं पता लेडीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं इस लड़ाई में इस कोर्ट केस में इस लेडी को बोला होगा कुछ या इस बंदे के अगेंस्ट है सब लोग एवरीबडी इज अगेंस्ट योर पर्सन सब लोग अगेंस्ट है इस इंसान के इनकी कोई सुनना नहीं चाहते ये बंदा स्टार सीड हो सकता है आप हो सकते हो जो भी है यहाँ पर कोर्ट केस बहुत ही गंदा वाला चल रहा है अगर नहीं चल रहा है तो मोस्ट प्रॉबली ये जो लेडी है ये स्वाड्स लेके भाग रही है ये बहुत बड़ी झूठ बोला है इन्होंने कुछ एक बहुत बिग झूठ बोला है क्योंकि ये जो बंदी है ये स्वॉर्ड लेके भाग रही है इनके घर से ठीक है तो इन्होंने इनका बच्चा चुराया हो सकता है इनका कुछ भी चुराया हो सकता है एक किड हो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए इस बंदे का कोई किड नहीं हो सकता ये किड किसी और का हो सकता है जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है उसका हो सकता है दैट इज जस्ट अ अं चैनल मैसेज जो भी है इस लेडी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिससे इन सब का दिल दुख गया है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब इस लेडी को सपोर्ट करे इस बंदे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ऐसा वाई रहा है एनी विच वेस ये बंदा बहुत ही मासूम है इसका ये बहुत इमोशनल है इनकी बातों में आ जाता है ये इसको ना फंसा देते हैं बार बार अपनी बातों से क्योंकि ये नार्सिस लोगों के साथ डील कर रहा होगा थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए सिर्फ पैसा मार्बल आया है यहाँ पे उसको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और आप देखिए सिक्स ऑफ पेंटिगल आपके में आया है आप इक्वल गिव एंड टेक इस बंदे को देते हो इस बंदे को आपके साथ बहुत खुशी होती है दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी आपको गिफ्ट शावर करना चाहता है आपसे मिलना चाहता है आपको कुछ हेल्प करना चाहता है आपके प्रोफेशन में शायद आप प्रोफेशनली ठीक नहीं हो तो ये आपको मदद करना चाहता है ठीक है नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स इसको ये भी पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारे लड़के आपको पसंद कर सकते हैं लड़कियाँ आपको मिल सकती हैं बट ये बंदा आपको यू you नो know, बहुत ही हेल्प करना चाहता है आपको एक पैसों से हेल्प करना चाहता है ये बंदा इसकी फीलिंग ये है कि ये आपके बारे में ड्रीम्स लेता है बहुत ज़्यादा इसके ख्यालों में सपनों में आप आते हो इसको हॉन्ट करते हो अगर आपकी बात बंद है आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते शायद आप अपने गार्ड्स को अब करके बैठे हो आपका फाइट चला है इस इंसान के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करी हो सकती है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ मेरा सब सही चल रहा है सब दिखाने की कोशिश करी होगी आपको गुस्सा आ गया होगा आपने बोल दिया होगा आई डोंट वांट यू ब्लॉक कर दिया होगा आपने ठीक है तो ये बंदा कि और आपकी लड़ाई हुई होगी इस मैटर को ले ठीक है जो भी है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो देख लीजिए वो कार्मिक के साथ डील कर रहा है आपकी शादी हो सकती है आगे जाके आई कैन सी दैट एक हैप्पी होम ये दे सकता है आपको एनी विचवेज देख लेते हैं कि ये अब क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ गई ठीक है बी पॉजिटिव टेन ऑफ सोल्स नाइट ऑफ कप्स क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आप डिवॉर्स ही हो सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज नॉट डिवोर्सड येट शायद इसकी फाइटिंग अभी भी चल रही है बिकॉज ऑफ़ द किड और बिकॉज ऑफ़ द जूट जो भी इस लेडी ने बोला है टेन ऑफ शॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है हमेशा जो भी आपने इसको मैसेज भेजा है आपको मैसेज करता होगा इसको फ्रंट स्टैप कर दिया इस लेडी ने इसके सामने से खोप दिया इस पर बहुत ही परेशान रहता है रोता रहता आपको याद करता है ठीक है एक्शन इसका ये होगा कि ये आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आएगा नाइट ऑफ कप्स के साथ काफ़ी लविंग ऑफर होगा ये जो आपको बहुत खुश कर देगा एक मैसेज हो सकता है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के साथ आप एक डिवॉर्स ही हो सकते हो आपका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है इसका पेंडिंग है शायद अगर नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स देते हो ठीक है जो भी है ये आपका कहना मानेगा ठीक है आपकी तरफ आएगा जो आप बोलोगे वैसे करेगा बट इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा अगर ये नहीं निकला तो ये फंसा रह जाएगा ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा रोता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है ये बहुत ही ज़्यादा दुख इसके मन में चलता रहता है ये डिप्रेस्ड हो गया है ये सब सोच सोच के थर्ड पार्टी सिचुएशन में ठीक है अब देख लेते हैं कि भैया ये कितने महीने में आपको मैसेज कर देगा कितने मंथ्स में टावर ंग ऑफ पेंटिगल ट्यू ऑफ पेंटिगल देखिए वन मंथ में आपको मैसेज कर सकता है टू मंथ्स में कर सकता है. पाइल नंबर टू भी देख सकते हो आप उसमें भी यू you नो know, ये सारे सनसाइंस थे ठीक है उसमें भी दो महीने वन मंथ था टावर सडनली भी मैसेज कर सकता है आपके में टावर आ गया है तो इनका रिलेशनशिप एंड होने वाला है या एंड हो चुका है शायद आपको पता नहीं है ये चीज़ तो सडनली आपको मैसेज करने वाला है सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा अचानक से मैसेज कर देगा मिलने आ जाएगा आपसे ठीक है फिर आप खुश हो जाओगे आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसीलिए प्रॉब्लम आई है ट्विन फ्लेम में एक बंदा मैरिड होता है एक बंदा अनमैरिड होता है एक बंदा मैरिड होता है एक बंदा डिवोर्स ही होता है समथिंग लाइक दैट ठीक है एनी विशवे स्टॉरस वर्गो केप्रीगॉन स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो ए रीसली सा आपके सनमून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा इसके सनसाइज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे ठीक है अब जो भी है ये जगलर आपकी तरफ आ जाएगा ठीक है जगलर बोल दिया तो पायल नंबर टू भी आप देख सकते हो ठीक है सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज़ ऐसा बताम सब ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल व्हाट्सअप एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच आई लव यूर सू सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय